परिचय। आज की सुबह बहुत अच्छी है। हाँ पिताजी, आज चमकीली धूप का दिन है। तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। बहुत अच्छे आर्यन। पिताजी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा। पिताजी, ये सभी वाहन जैसे कि कारें, ट्रक आदि ईंधन से चलते हैं? हाँ। क्या अंतरिक्ष शटल भी ऐसे ही ईंधन से चलते हैं? मेरे बेटे, उनमें विशेष प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार का ईंधन कैसा होता है? अंतरिक्ष शटल को ऊपर ले जाने के लिए उनमें बाहरी टैंक में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। क्या तुम इस बारे में और अधिक जानना चाहोगे? हाँ पिताजी। इस पाठ में आप हाइड्रोजन और इसके यौगिकों के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। आवर्त सारणी में डाइहाइड्रोजन को खोजना तथा डाइहाइड्रोजन के समस्थानिकों का वर्णन करना, डाइहाइड्रोजन के विचरण, डाइहाइड्रोजन के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करना, हाइड्राइडों का वर्णन करना, आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसकी परमाणविक संख्या एक होती है। क्योंकि इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनी विन्यास 1s^1 होता है। हाइड्रोजन के द्वैत व्यवहार के कारण आवर्त सारणी में इसके लिए उचित स्थान खोजना कठिन है, क्योंकि क्षारीय धातुओं तथा हैलोजनों से इसकी समानता होती है। क्षारीय धातुओं की तरह इसके संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन में भी अक्रिय गैस विन्यास पूर्ण करने से केवल एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। डाइहाइड्रोजन H2। प्राप्ति। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल्य तत्व है। यह ब्रह्मांड के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% है। बृहस्पति तथा शनि ग्रह अधिकांशतः हाइड्रोजन से बने हैं। सूर्य का आधे से अधिक द्रव्यमान तथा कुछ अन्य तारे भी हाइड्रोजन के बने हैं। संयुक्त रूप में यह पृथ्वी की परपट्टी तथा महासागरों का 15.4% भाग बनाता है। पृथ्वी में इतना गुरुत्वाकर्षण नहीं होता कि यह हल्के हाइड्रोजन अणु को रोक सके, इसलिए यह हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता। हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं। प्रोटियम। इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, लेकिन इसके नाभिक में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता और एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s कक्षक में होता है। इसे प्रतीक H से निरूपित किया जाता है। इसकी प्रचुरता 99.985% होती है। ड्यूटीरियम। इसकी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2 होती है। इसमें एक प्रोटॉन होता है तथा इसके नाभिक में एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s कक्षक में होता है। इसे प्रतीक D से निरूपित किया जाता है। इसकी प्रचुरता 0.0156% होती है। ट्राइटियम। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इसके 1s कक्षक में होता है। यह अत्यंत दुर्लभ समस्थानिक है। सामान्य हाइड्रोजन के 10^18 अणुओं में ट्राइटियम का केवल एक अणु होता है। हाइड्रोजन के इस समस्थानिक की प्रकृति रेडियोधर्मी होती है और यह निम्न ऊर्जा वाले बीटा कण उत्सर्जित करता है। इसकी प्रचुरता 10^-15% होती है। डाइहाइड्रोजन H2 का विरचन। डाइहाइड्रोजन का प्रयोगशाला में विरचन। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सामान्यतः तनु खनिज अम्लों की दानेदार जिंक जैसी धातुओं से अभिक्रिया करते हुए बनाई जाती है। दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े वुल्फ की बोतल में रखे जाते हैं, जिसमें एक थिसल फनल और एक डिलीवरी ट्यूब लगी होती है। थिसल फनल के जरिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न करता है
जो पानी के अधोमुखी विस्थापन द्वारा जार में एकत्र कर ली जाती है। सरंध न होने के कारण शुद्ध जिंक का उपयोग नहीं किया जाता और इसलिए कुछ देर बाद अभिक्रिया मंद हो जाती है। इसलिए दानेदार जिंक का उपयोग किया जाता है जो अशुद्ध होती है और यह अभिक्रिया की दर बढ़ा देती है। डाइहाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन। जल का विद्युत अपघटन। इसमें अम्लीकृत या क्षारीकृत जल का विद्युत अपघटन किया जाता है। उपकरणों में एक एनोडिक लिंब, कैथोडिक लिंब, अम्लीकृत जल तथा प्लैटिनम की पन्नियां शामिल होते हैं। जल को अम्लीकृत करने के लिए हम तनु H2SO4 का उपयोग करते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जल को विद्युत अपघटनी के रूप में कार्य करने लायक बना देता है। जब एनोड और कैथोड एक बैटरी से जोड़े जाते हैं तो कुछ मिली एम्पियर की हल्की विद्युत धारा उत्पन्न होती है और वोल्टमीटर की दोनों भुजाओं में बुलबुले दिखने शुरू हो जाते हैं। एनोड वाली भुजा ऑक्सीजन का तथा कैथोड वाली भुजा हाइड्रोजन का एकत्रीकरण करती है। होने वाली अभिक्रिया निम्न है। H2SO4 का वियोजन। H2SO4 देता है 2H+ + SO4 2-। H2O का वियोजन। H2O देता है H+ + OH-। कैथोड पर अभिक्रिया। H++ इलेक्ट्रॉन देता है H। H+H देता है H2। एनोड पर अभिक्रिया। OH- देता है OH+ इलेक्ट्रॉन। 4OH देता है H2O + O2। संपूर्ण अभिक्रिया। 2H2O देता है 2H2 + O2। एनोड पर SO4 2- आयनों की वीर्यता में OH- आयन मुक्त किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्वरित गति से त्याग करना SO4 2- आयन की अपेक्षा OH- आयन के लिए अधिक आसान होता है। चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इस होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता, इसलिए इसे अभिक्रिया का उत्प्रेरक कहा जा सकता है। डाइहाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन। डाइहाइड्रोजन को लाल तप्त कोक के साथ वाष्प की क्रिया द्वारा भी तैयार किया जा सकता है, जैसा कि नीचे वर्णित है। बनने वाली वाटर गैस संश्लेषित गैस सिंग गैस भी कहलाती है। तब वाटर गैस वाष्प में मिश्रित हो जाती है और तप्त Fe2O3 तथा Cr2O3 पर 770 केल्विन तापमान पर प्रवाहित की जाती है। तब CO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। तब CO2 और H2 का गैसीय मिश्रण दाब के अंतर्गत ठंडे जल में बुलबुले बनाता है, जहां CO2 घुल जाती है और डाइहाइड्रोजन गैस बचती है जो बाहर निकल जाती है। यह अभिक्रिया अंगार गैस स्रिति अभिक्रिया भी कहलाती है। डाइहाइड्रोजन के गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। यह वायु से हल्की होती है और जल में अविलय होने के कारण जल के अधोमुखी विस्थापन द्वारा एकत्र कर ली जाती है। यह उच्च दहनशील होती है। यह सभी तत्वों से हल्की होती है। डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। हेलोजनों से अभिक्रिया। हेलोजनों की हाइड्रोजन से अभिक्रियाशीलता निम्न है। हाइड्रोजन हेलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाती हैं। डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है। डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन डाइनाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रदान करती है। धातुओं से अभिक्रिया। हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है, जहां M एक क्षार धातु है। उदाहरण के लिए डाइहाइड्रोजन के रासायनिक गुणधर्म। धात्विक आयनों तथा धात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया। हाइड्रोजन धातु आयनों तथा धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धातुएं प्रदान करता है।
उदाहरण के लिए कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया। जब हाइड्रोजन को लगभग 473 केल्विन तापमान पर उत्प्रेरक के रूप में पूर्णतः विभाजित निकेल की उपस्थिति में खाद्य तेलों पर प्रवाहित किया जाता है तो वे कठोर हो जाते हैं तथा खाद्य वसाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। डाइहाइड्रोजन के उपयोग। इसे अमोनिया के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को हीटर पर से प्रवाहित किया जाता है जहां वे एक निश्चित तापमान तक गर्म हो जाते हैं, जिसके बाद वे संपीड़ित किए जाते हैं और तब रिएक्टर में प्रवाहित किए जाते हैं जहां अभिक्रिया होती है। तत्पश्चात मिश्रण को अपशिष्ट हीट बॉयलर में भेज दिया जाता है जहां अमोनिया ठंडी होती तथा संचित की जाती है, जबकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिसाइकल कर दिया जाता है। इसे वनस्पति घी के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष अनुसंधान में इसे रॉकेट ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए इसे ईंधन सेलों में उपयोग किया जाता है। हाइड्राइड। हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसों के सिवाय आवर्त सारणी के अन्य लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्विअंगी यौगिक बनाती है जो हाइड्राइड कहलाते हैं। हाइड्राइडों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। आयनी या लवणीय हाइड्राइड। आयनी हाइड्राइड हाइड्रोजन और सर्वाधिक सक्रिय धातुओं के बीच बनते हैं, विशेषकर समूह एक और दो तत्वों के क्षार तथा क्षारीय मृदा धातुओं के साथ। इस समूह में हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के रूप में कार्य करती है। वे अधिक धन विद्युती धात्विक परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं। पिघले हुए अल्कली हेलाइड में लवणीय हाइड्राइड के विलयन का विद्युत अपघटन निर्मित करता है। एनोड पर H2। अभिक्रिया निम्नवत व्यक्त है। क्षार धातु हाइड्राइड कार्बनिक यौगिकों से जल अंश हटाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं। सहसंयोजक या आण्विक हाइड्राइड। हाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ आण्विक यौगिक बनाती है। ऐसे हाइड्राइडों के सामान्य उदाहरण CH4, NH3, H2O, HF इत्यादि हैं। इन हाइड्राइडों का स्थायित्व समूह में निम्नता के साथ घटता है। उदाहरण के लिए एक आवर्त में वैद्युत ऋणात्मकता बढ़ने के साथ स्थायित्व बढ़ता है। उदाहरण के लिए सहसंयोजक या आण्विक हाइड्राइड। आण्विक हाइड्राइडों को निम्नवत वर्गीकृत किया जाता है। इलेक्ट्रॉन समृद्ध आण्विक हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में केंद्र के परितः इलेक्ट्रॉनों के एक या अधिक एकाकी युग्म होते हैं जो अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। उदाहरण के लिए जल में दो एकाकी युग्म होते हैं। इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आण्विक हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में लुइन रचना हेतु इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षित संख्या होती है। मीथेन इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध आण्विक हाइड्राइड का एक सामान्य उदाहरण है। इलेक्ट्रॉन न्यून आण्विक हाइड्राइड। इन हाइड्राइडों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे कम होती है जितने लुइन रचना के लिए आवश्यक होते हैं। डाइबोरेन ऐसे आण्विक हाइड्राइड का एक सामान्य उदाहरण है। धात्विक या असमीकर्मितीय या अंतराकाशी हाइड्राइड। ये हाइड्राइड सामान्यतः निम्न द्वारा बनते हैं। डी ब्लॉक के समूह 3, 4, 5 की संक्रमण धातुएं। समूह 6 की CR धातु। एफ ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के समूह 7, 8, 9 के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते। आवर्त सारणी के समूह 7, 8, 9 की धातुओं की हाइड्राइड बनाने में यह असमर्थता डी ब्लॉक का हाइड्राइड अंतराल कहलाती है। इन यौगिकों में एच परमाणु धात्विक जालकों में अंतराकाशीय स्थितियां ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए SCH2 LAH2.87। क्या आप जानते हैं
बोइंग ने नया हाइड्रोजन चालित विमान प्रस्तुत किया है। बोइंग नए विमान को अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। बोइंग व अन्य कंपनियों ने ऐसे नए विमान विकसित किए हैं जो वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करें। विमान के आगामी परीक्षण करने से बोइंग को ईंधन सेल तथा उन अन्य प्रौद्योगिकियों का सर्वोत्तम उपयोग समझने में मदद मिलेगी जो इसने विमान के लिए चुनी हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है जिसकी परमाणविक संख्या एक होती है। प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन सामान्यतः तनु खनिज अम्लों की दानेदार जिंक जैसी धातुओं से अभिक्रिया करते हुए बनाई जाती है। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और उच्च दहनशील गैस है। हाइड्रोजन हैलोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हेलाइड्स बनाती है। हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल प्रदान करती है। हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रदान करती है। हाइड्रोजन धातुओं से अभिक्रिया करके हाइड्राइड बनाती है। हाइड्रोजन धातु आयनों तथा धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके संगत धातुएं प्रदान करता है। हाइड्राइडों को आयनी सहसंयोजी तथा धात्विक हाइड्राइडों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिचय। बच्चों, आज हम जल, हाइड्रोजन, पराऑक्साइड और भारी जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जल एक रासायनिक पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये रंगहीन तथा पारदर्शी द्रव है। इसमें एक ऑक्सीजन परमाणु और दो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक संयोजन होता है। इसका रासायनिक सूत्र H2O2 है। भारी जल ड्यूटीरियम ऑक्साइड होता है। ये जल का अन्य रूप है जिसमें हाइड्रोजन ड्यूटीरियम समस्थानिक होता है। तो इस मॉड्यूल में हम जल, हाइड्रोजन परऑक्साइड और भारी जल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करना। बर्फ एवं जल की संरचना पर चर्चा करना। कठोर एवं मृदु जल में विभेद करना। हाइड्रोजन परऑक्साइड के विरचन की विधियों की व्याख्या करना तथा इसके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों पर चर्चा करना। भारी जल को परिभाषित करना तथा ईंधन के रूप में डाई हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करना। जल। जल सभी रासायनिक यौगिकों में सबसे सामान्य, प्रचुर एवं आसानी से पाया जाने वाला यौगिक है। मानव के जीवन हेतु ये अनिवार्य यौगिक है। ये ठोस, द्रव या गैसीय अवस्थाओं में रह सकता है। ये सार्वभौमिक विलायक है। हमारे शरीर के 70% भाग में जल होता है। पृथ्वी का 75% भाग जल से बना है। जल के भौतिक गुणधर्म। एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन द्रव है। जल का नीला या नीलापन लिए हुए हरा रंग इसकी गहराई के कारण होता है। जल का हिमांक 0°C और इसका क्वथनांक 100°C है। जमाए जाने पर यह अपने मूल आयतन का 1/9 बढ़ जाता है। जल का क्वथनांक इसके पृष्ठ पर दाब पर निर्भर करता है। दाब जितना ही उच्च होगा, क्वथनांक भी उतना ही अधिक होगा। जल की संरचना। जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। इसमें उच्च ध्रुवीयता होती है।
तीनों परमाणु एक कोण HOH कोण बनाते हैं जो लगभग 104.5 डिग्री का होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का केंद्र ऑक्सीजन परमाणु के केंद्र से लगभग 95.7 पिकोमीटर होता है। चूंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होती है, इसलिए हाइड्रोजन परमाणुओं पर आंशिक धनावेश तथा ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश होता है। आवेश का ये पृथक्करण अणु पर नेट द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करता है। बर्फ जल का ठोस रूप है और बर्फ का घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। बर्फ की संरचना। बर्फ की त्रिविम संरचना होती है जिसमें प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चार अन्य ऑक्सीजन परमाणुओं द्वारा 276 पिकोमीटर की दूरी पर चतुष्फलकीय रूप से घिरा होता है। बर्फ की संरचना त्रिविम होने के कारण इसमें मुक्ताकाश होता है, इसलिए इसका घनत्व कम होता है और ये जल पर तैरती है। जल के रासायनिक गुणधर्म। उभयधर्मी प्रकृति। अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में कुछ रसायनों द्वारा व्यवहार करने की क्षमता उभयधर्मिता कहलाती है। यदि कोई क्षार जैसे कि NH3 उपस्थित है तो जल एक अम्ल की भांति व्यवहार कर सकता है और इस क्षार को एक प्रोटॉन प्रदान करके अभिक्रिया करता है। यदि कोई अम्ल जैसे कि H2S उपस्थित है तो जल एक क्षार के रूप में व्यवहार कर सकता है और उस अम्ल से एक प्रोटॉन प्राप्त करते हुए प्रतिक्रिया करता है। जल का स्वयं आयनीकरण। जल द्वारा अम्ल या क्षार के रूप में अभिक्रिया करने की सामर्थ्य का एक अन्य उदाहरण है। जल की अपोपचयन अभिक्रियाएं। डाइहाइड्रोजन जल के अपचयन द्वारा निम्नानुसार उत्पन्न की जा सकती है। जल के रासायनिक गुणधर्म। जल अपघटन अभिक्रिया। नए यौगिक बनाने के लिए यौगिकों की जल के साथ अभिक्रिया जल अपघटन कहलाती है। उदाहरण के लिए डाई नाइट्रोजन पेंटोक्साइड जल से अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल बनाता है। हाइड्रेट्स बनना। जल धातु लवणों के साथ हाइड्रेट्स बनाता है। ये तीन मुख्य प्रकार के होते हैं। उपसह संयोजित जटिल यौगिक। उदाहरण के लिए निकेल 2 नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट H2O के O अणुओं धातु आयनों के बीच उपसह संयोजी बंध बनाता है। H आबंधित। उदाहरण के लिए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट अंतराकाशी हाइड्रेट। कुछ यौगिकों में जल अंतराकाशी रूप में उपस्थित रहता है। उदाहरण के लिए कठोर एवं मृदु जल। कठोर जल Ca2+ Mg2+ और Fe2+ के विलयशील लवणों वाला जल कठोर जल कहलाता है। ये साबुन के साथ पर्याप्त झाग नहीं बनाता। मृदु जल। इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन के विलयशील लवण नहीं होते। ये साबुन के साथ पर्याप्त झाग बनाता है। ये Ca की घात 2+ और Mg की घात 2+ के बाइकार्बोनेटों सल्फेटों और क्लोराइडों से मुक्त होता है। फैटी अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें उच्चतर एल्किल श्रृंखला होती है फैटी अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए C15 H31 COOH और C17 H35 COOH। कठोर जल
साबुन से अभिक्रिया करके अवक्षेप बनाता है। कठोर जल की साबुन के साथ अभिक्रिया, कठोर एवं मृदु जल। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता, ये कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों की उपस्थिति के कारण होती है। इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है, क्वथन द्वारा विलेय बाइकार्बोनेट अविलेय कार्बोनेटों में बदलकर निक्षेपित हो जाता है। क्लार्क की विधि। चूने की परिकलित मात्रा कठोर जल में मिलाए जाने पर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेपण होता है। स्थायी कठोरता। ये कठोरता Ca की घात 2 प्लस, Mg की घात 2 प्लस और Fe की घात 2 प्लस के क्लोराइडों तथा सल्फेटों की उपस्थिति के कारण होती है। इसे निम्न द्वारा हटाया जा सकता है, धावन सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट से उपचारित करके। सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम और मैग्नीशियम लवणों को अविलेय कार्बोनेटों में बदल देता है, जो छानकर अलग किए जा सकते हैं। आप इसे निम्न अभिक्रिया में देख सकते हैं। कैल्गोन विधि। ये सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट होता है। ये ऋणायन संकुल यानी Mg की घात 2 प्लस और Ca की घात 2 प्लस को विलयन में रखता है। आयन विनिमय पद्धति। जियोलाइट या जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट परम्यूटेट यानी NaAlSiO4 3H2O कहलाता है और Ca की घात 2 धन तथा Mg की घात 2 धन को हटाने में काम आता है। NaCl विलयन से उपचारित करके जियोलाइट का पुनरुत्पादन किया जा सकता है। संश्लेषित रेजिन पद्धति। संश्लेषित रेजिन विधि। संश्लेषित धनायन विनियमकों के उपयोग द्वारा कठोर जल को मृदु किया जा सकता है। ये विधि जियोलाइट या परम्यूटेट की तुलना में अधिक प्रभावी है। ये धनायन विनियामक बड़े कार्बनिक अणु होते हैं, जिनमें सल्फोनिक अम्ल समूह होते हैं। आयन विनिमय रेजिन को पहले NaCl विलयन से उपचारित करते हुए सोडियम में बदला जाता है और फिर जल के मृदुकरण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। NaCl विलयन से उपचारित कराते हुए रेजिन को भावी उपयोग हेतु पुनरुत्पादित किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 विरचन। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जलयुक्त बेरियम परऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा विरचित किया जा सकता है। निर्जल बेरियम परऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल से तत्काल अभिक्रिया नहीं करता, क्योंकि इसके पृष्ठ पर अविलेय बेरियम सल्फेट की एक परत बन जाती है, जो अम्ल की आगामी अभिक्रिया को रोकती है। इसलिए जलयुक्त बेरियम परऑक्साइड BaO2 और 8H2O का ही उपयोग किया जाना चाहिए। औद्योगिक रूप से इसे 2 एल्किल एंथ्राविक्विनॉल के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा विरचित किया जाता है, जहां 2 एथिल एंथ्राक्विनॉल
हाइड्रोजन या पैलेडियम की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। भौतिक गुणधर्म। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक पारदर्शी और रंगहीन द्रव होता है। इसमें हल्की तिक्त गंध होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक बहुपयोगी तथा पर्यावरण अनुकूल रसायन है, जिसके व्यापक अनुप्रयोग हैं। संरचना। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। गैसीय प्रावस्था में द्वितल कोण 111.5 डिग्री होता है। ठोस प्रावस्था में 110 केल्विन पर द्वितल कोण 90.2 डिग्री होता है। रासायनिक गुणधर्म। हाइड्रोजन परऑक्साइड अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक क्रिया, अम्लीय माध्यम में अपचायक क्रिया, क्षारीय माध्यम में अपचायक क्रिया और क्षारीय माध्यम में अपचायक क्रिया। भंडारण। हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्षतियुक्त अग्निरोधी कक्षों में रखा जाना चाहिए, जहां इसे ठंडा और सीधी धूप से सुरक्षित रखा जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड को सभी प्रकार के संदूषणों से बचाकर रखा जाए। मूल पात्रों या संस्थापित टैंकों में उचित भंडारण के साथ विलयन को लंबी अवधियों तक भंडारित रखा जा सकता है, जिसमें सक्रिय ऑक्सीजन में कोई उल्लेखनीय हानि नहीं होती। उपयोग। इसे पूर्तिरोधी के रूप में तथा माउथवॉश के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे रसायन निर्माण, खाद्य, जल एवं अपशिष्ट जल शोधन में उपयोग किया जाता है। इसे जैव अपशिष्ट शोधन में भी उपयोग किया जाता है, जहां जैव उपचार संयंत्रों के ओवरलोड के कारण ऑक्सीजन का अभाव रहता है। इसे फॉर्मेल्डिहाइड्स, फिनॉल्स, कार्बनिक क्लोरीन यौगिकों इत्यादि के ऑक्सीकरण में उपयोग किया जाता है। भारी जल D2O। भारी जल भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जो ड्यूटीरियम ऑक्साइड भी कहलाता है। भारी जल की खोज का श्रेय उरे को प्राप्त है, जिसने सबसे पहले सिद्ध किया कि सामान्य जल के 6000 भाग में भारी जल का लगभग एक भाग होता है। भारी जल का प्रदर्शन। पहले पानी से भरे दो बीकर लें। नीले रंग का एक बर्फ का टुकड़ा पहले बीकर में डालें और देखें कि बर्फ पानी पर तैरती है। दूसरे बीकर में D2O भारी जल के लाल रंग का बर्फ का एक टुकड़ा डालें। आप देखेंगे कि वो बर्फ का टुकड़ा पानी में डूब जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यूटीरियम हाइड्रोजन की अपेक्षा भारी समस्थानिक है और ये जल के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म परिवर्तित कर देता है। डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। हाइड्रोजन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन को बड़ी मात्राओं में वैद्युतिक रूप से उत्पादित करना तथा निर्वात रोधी क्रायोजेनिक टैंकों में द्रव रूप में भरकर संचित किया जाना तथा अंतरिक्ष कार्यक्रमों में इसका उपयोग किया जाना इसमें शामिल है। हाइड्रोजन ऊर्जा का भावी स्रोत हो सकता है। वाहन ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के लाभ। उच्च कैलोरी मान के कारण ये प्रति इकाई द्रव्यमान ईंधन अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये प्रदूषण रहित है। वायु की उपस्थिति में हाइड्रोजन के दहन उत्पादन H2O तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। अंतः दहन इंजनों को ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए आसानी से संवर्धित किया जा सकता है। 70-85% दक्षता के साथ विद्युत शक्ति उत्पन्न करने वाले ईंधन सेल
अंतरिक्ष यानों में वाणिज्यिक रूप से सफलतापूर्वक प्रचालित किए जाते हैं। क्या आप जानते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कुत्ते द्वारा विष ग्रहण करने पर वमन प्रेरक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करने के लिए स्वर्ण सूक्ष्म कण उपयोग किए जा सकते हैं। सारांश, आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। जल सभी रासायनिक यौगिकों में सबसे सामान्य, प्रचुर एवं आसानी से पाया जाने वाला यौगिक है। HOH कोण लगभग 104.5 डिग्री का होता है। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु का केंद्र ऑक्सीजन परमाणु के केंद्र से लगभग 95.7 पिकोमीटर होता है। अम्ल तथा क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करने की जल की क्षमता उभयधर्मिता कहलाती है। Ca की घात 2+, Mg की घात 2+ और Fe की घात 2+ के विलयशील लवणों वाला जल कठोर जल कहलाता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन के विलयशील लवणों से रहित जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग बनाता है। ये Ca की घात 2+ और Mg की घात 2+ के बाइकार्बोनेटों, सल्फेटों, क्लोराइडों से मुक्त होता है। अस्थाई कठोरता को उबालकर तथा क्लार्क की विधि द्वारा हटाया जा सकता है। स्थाई कठोरता को धावन सोडा से उपचारित करके कैल्गोन विधि द्वारा, आयन विनिमय विधि द्वारा तथा संश्लेषित रेजिन विधि द्वारा हटाया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड को जलयुक्त बेरियम परऑक्साइड पर सल्फ्यूरिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल की क्रिया द्वारा विरचित किया जा सकता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। भारी जल भारी हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहलाता है।